Hello kids, let's see the question. A uniform square plate has a small piece Q of an irregular shape removed and glued to the center of the plate leaving a hole behind. The moment of inertia about the Z axis is then Option A increased, Option B decreased, Option C the same, Option D changed in unpredicted manner. सो यहाँ क्वेश्चन में हमें एक स्क्वेयर प्लेट दिखाई हुई है विच इज यूनिफॉर्म इस इट मीन्स इसकी मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है और इसमें से एक स्मॉल पीस क्यू ये स्मॉल पीस दिखाया हुआ डायग्राम में मीन्स इट इज लाइक अ होल इसको रिमूव कर दिया है और इसको इस प्लेस से रिमूव करके यहाँ नेक्स्ट फिगर में सेंटर पर दिखा दिया है कि इट इज ग्लूड टू द सेंटर और अब हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस में क्या चेंजेस होंगे स्क्वेयर प्लेट में दिस इज अ क्वेश्चन सो अगर हम क्वेश्चन का सो so क्वेश्चन का की कंसेप्ट हम लोग पहले देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग इसमें फंडामेंटल है कि इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एनी एक्सेस इज मोर अबाउट एनी एक्सेस इज मोर देन दूमेंट ऑफ एनर्जिया अबाउट दैट एक्स इनक्रीज बट यहाँ पर क्या किया जैसे सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं जेड एक्सेस दिस इज परपेंडिक्युलर टू द्लेन तो ये है हमारे पास में दोनों डाइग्राम्स का जेड एक्सेस तो अगर हम लोगों ने यहाँ से होल्ड कर दिया इट मीन जेड एक्सेस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन काम हो गया और नेक्स्ट फिगर में Z एक्सिस के ऊपर ही हम लोगों ने उसको ग्लो कर दिया सो वॉट विल बी द चेंजेस बिकॉज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दैट इज रेडियस ऑफ गैरेशन इज डिक्रीज वेन द होल वॉज मेड इन द फिगर नंबर वन और फिगर नंबर टू में हम लोगों ने उसको Z एक्सिस पर ही ग्लो कर दिया तो इससे बेसिकली जो Z एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था वो डिक्रीज हो गया तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिक्रीज हुआ इट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज हो जाएगा सो so, जो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका राइट right आंसर आएगा ऑप्शन बी दैट इज डिक्रीज होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक